हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के बीच में होने वाले पीएसएल के फाइनल मुकाबले के बारे में। तो ये जो मैच है ये खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 27 फरवरी 8 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगी और आज के मैच में जो है एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि फ्रेश पिच यूज होगी और मैं आपको इसकी न्यूज टॉस टाइम पे दे दूंगा। फ्रेश पिच यूज होगी तो थ्रिल ज्यादा रहेगा, बैटर्स को ज्यादा मदद मिलेगी और 190-200 तक का स्कोर भी जा सकता है, जो किसी भी फाइनल मुकाबले के लिए, किसी भी टूर्नामेंट मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है व्यूअर्स गेन करने के लिए। ठीक है, तो मेन मुद्दा रहेगा पीएसएल का यूजर्स को अट्रैक्ट करना अपने आखिरी पीएसएल मैच में। तो पिच जो है वो बैटर्स फ्रेंडली ही होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि फाइनल बिट में आपको टॉस टाइम पे दे दूंगा। ये है यहां पे मैच डिटेल्स। आगे हम चलते हैं फैंटेसी टिप्स की बात करते हैं इस मैच के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है अभी इस सीरीज में, इस पीएसएल सीरीज में। फकर जमन ने 12 मैचेस खेले, 74 पॉइंट्स प्रति मैच दिए फैंटेसी में और 75% फैंटेसी टीम में ये रहे हैं। यानी अगर इनकी टीम 4 मैच खेलती है तो 3 मैच में फकर जमन ड्रीम टीम में रहते ही रहते हैं, तो ये इनका स्टैट है। रूसो का देखिए 42 पॉइंट्स प्रति मैच दिए फैंटेसी में, इन्होंने 10 मैच खेले पीएसएल में और 40% टीम में ये रहे हैं। यानी कि 10 में से 4 बार रूसो ड्रीम टीम में रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में रूसो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लास्ट के कुछ मैचेस में अच्छा किया, सो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 40% ड्रीम टीम का है। शान मसूद की बात करें 64 पॉइंट्स प्रति मैच इन्होंने दिए यानी फैंटेसी में और 81 टाइम्स ये रहे ड्रीम टीम में, यानी कि फकर जमन से भी ज्यादा टाइम ड्रीम टीम में कोई प्लेयर रहा है अपोजिशन टीम से, तो वो मसूद रहा है। फिर कुमार गुलाम का भी देख लीजिए, 12 मैचेस खेले, 39 पॉइंट्स प्रति मैच और 75% ये भी जो है रहे हैं ड्रीम टीम में। हालांकि इनके पॉइंट्स उतने ज्यादा नहीं रहे बट फिर भी ड्रीम टीम में कैसे भी करके इन्होंने जगह बनाई है। ऑलराउंडर्स में बात करें जो डेविड विली ने 60 पॉइंट्स प्रति मैच दिए अभी तक 7 मैच खेल के और इसके अलावा 71% टाइम ये ड्रीम टीम में रहे। हफीज ने देखिए 43 पॉइंट्स प्रति मैच दिए और 58% टाइम हफीज ड्रीम टीम में रहे। खुशदिल शाह 72% टाइम रहे, काफी पॉइंट दिए हैं पर मैच। और डेविड वीज ने देखिए पॉइंट थोड़े से पर मैच कम दिए क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है और थोड़ा अगर हम बात करें ड्रीम टीम की तो उसमें भी थोड़ा सा कम रहे हैं। तो यहाँ पे खुशदिल शाह, डेविड विली हमेशा ड्रीम टीम में रहे और 71% टाइम, देखिए ये बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है। और ऐसे यहाँ पे कुमार गुलाम, शान मसूद और फकर दमन, ये लोग भी काफी रहे। रूसो उतना नहीं रहे बट रूसो रीसेंट टाइम में अच्छा कर रहे हैं तो इनको आप मिस नहीं कर सकते। बोलर्स में देखो सबसे ज्यादा ड्रीम टीम में कौन रहा, शाहनवाज धानी रहा, इसके बाद देखें तो हरीश रौफ रहा, उसके बाद शाहिन अफरीदी रहा और अंत में 45.5% टीम्स में इमरान ताहिर रहे। यानी कि अगर इनकी टीम ने 12 मैचेस खेले इस सीजन और ताहिर 12 के 12 मैच खेले तो 6 मैच में ड्रीम टीम में ताहिर रहे हैं, 6 में नहीं रहे। यानी कि ताहिर को आप चाहें तो ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं बट शाहनवाज धानी, हरीश रौफ और शाहिन अफरीदी को ड्रॉप मत कीजिएगा क्योंकि इन तीनों ने पॉइंट्स तो अच्छे दिए ही दिए हैं इस सीजन और इसके अलावा ड्रीम टीम में भी काफी टाइम जगह बनाई है इन्होंने अपनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। आगे हम चलते हैं एक्सपीरियंस के मामले में बात करें तो इस वेन्यू पे पिछले 2 साल में देख सकते हैं यहाँ पे बेन टंक ने 42 रन प्रति मैच दिए और यहाँ पे फकर जमन ने 32 रन प्रति मैच दिए। इस वेन्यू पे जब ये लोग खेलते तो कैसा खेलते वो बता रहा हूँ। हफीज ने 25 रन प्रति मैच करे हैं, शान मसूद ने 33 रन प्रति मैच इस वेन्यू पे करे हैं और देखिए रिजवान ने 52.8 रन प्रति मैच करे हैं, इनका काफी ज्यादा रन है पर मैच के हिसाब से। और खुशदिल जाकर 20 के आसपास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन हो गए, एक तो हो गए आपके मोहम्मद रिजवान 52 रन कर रहे हैं जो प्रति मैच, एक हो गए आपके यहाँ पे फकर दमन, शान मसूद और बेंडंग खेलेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट बैटर्स में कौन आ गए, फकर दमन आ गए, शान मसूद आ गए और मोहम्मद रिजवान आ गए। अब मेन बोलर्स भी देख लो तो सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन इस वेन्यू पे समित पटेल रहते 1.3 विकेट्स पर मैच है बट उनसे भी ज्यादा देखिए शाहिन अफरीदी 1.7 विकेट्स पर मैच और यहाँ पे शाहनवाज धानी 1.6 विकेट्स पर मैच। यानी इस मैच में अगर आप देखें बोलर्स की बात करें तो दोनों टीमों से कौन कौन से बोलर इंपॉर्टेंट है, शाहिन अफरीदी, शाहनवाज धानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग काफी विकेट टेकिंग होते हैं। और बैटर्स में देख लीजिए मोहम्मद रिजवान हो गए, यहां पे हमारे शान मसूद हो गए और इसके अलावा फकर दमन हो गए, ये लोग भी काफी इंपॉर्टेंट है बैटर्स के मामले में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टैट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। तो वेन्यू स्टैट देख लीजिए, हालांकि ज्यादा कुछ काम का नहीं रहेगा इस मैच में, वैसे भी फ्रेश पिच एक्सपेक्टेड है तो रन वैसे भी हायर एंड पे रहेंगे यानी ज्यादा बनेंगे। लास्ट 5 मैचेस इस वेन्यू पे आप देख सकते हैं, लास्ट 5 मैचेस में हुआ क्या है, 2 मैचेस चेजिंग टीम जीती है, 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है। ये कुछ मैचेस रहे और ये कुछ उनके स्कोर्स रहे मैचेस के। लास्ट 2-3 मैचेस से 160 प्लस की स्कोरिंग हो रही है और इस मैच में इवन में 170-180 प्लस स्कोर कर रहा स्कोर का प्रोडक्शन कर रहा हूं और मुझे लगता है 180 से 190 के बीच में स्कोरिंग होनी चाहिए इस मैच में फ्रेश पिच के हिसाब से।
चेजिंग टीम का रिकॉर्ड देख लो, आखिरी 5 मैच में 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 2 मैचेस बैटिंग सेकंड ने जीते, यानी चेजिंग टीम 2 मैच हारी 2 मैच जीती, तो बराबर वही पड़ जाता है। और आखिरी 18 मैचेस जो इस वेन्यू पे खेलेगा उसमें बैटिंग फर्स्ट 12 मैचेस को जीती है और बैटिंग सेकंड मात्र 5 मैचेस को जीती, यानी बैटिंग फर्स्ट यहां पे ज्यादा बेटर हो रही है इस साल। इसके बाद दोनों टीमों का रीसेंट फॉर्म देख लो, मुल्तान सुल्तान 10 में से 9 मैच जीत के आई है और लाहौर कलंदर 10 में से 6 मैचेस जीत के आई है। तो मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई करा था और लाहौर कलंदर बड़ी मुश्किलों से आ पाई है, तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की फेवरेट रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 12 मैचेस इन्होंने आपस में खेले, मुल्तान ने 7 जीते, लाहौर कलंदर ने 5 जीते। ये कैसे जीते वो देख लीजिए, आखिरी 5 मैच में भी देखिए लाहौर एक ही मैच जीती है और मुल्तान 4 जीती है, तो मुल्तान बहुत स्ट्रांग टीम है। इसके अलावा देखिए रीसेंट फॉर्म की बात करें तो लाहौर कलंदर आखिरी 5 में से 2 जीत के आई है, मुल्तान सुल्तान आखिरी 5 में से 4 जीत के आई है। रीसेंट फॉर्म भी दोनों टीमों का देख लीजिए, किस टीम के खिलाफ कितना स्कोर करा, कब स्कोर करा, बैटिंग फर्स्ट करी थी टीम ने, सेकंड करी थी, जीते के हारे, वो सब यहां पे लिखा हुआ है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, इससे आपको एक टीम का पोटेंशियल समझ में आ जाता है कि कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों की जो इस वेन्यू पे खेले गए, यानी कि इस वेन्यू पे नहीं किसी भी वेन्यू पे खेले गए, बस इन दोनों की टीम में होने चाहिए, इन दोनों टीमों के बीच में मैचेस होने चाहिए, वो है हेड टू हेड मुकाबले। मुल्तान लाहौर के बीच के सारे मुकाबले जो इस साल खेले गए देख सकते हैं, 3 मुकाबले इस साल हुए और 3 में से लाहौर 1 जीती और मुल्तान 2 जीती, तो मुल्तान पावरफुल लग रही है। और 2021 में भी 2 मैच हुए थे, दोनों की दोनों मुल्तान जीती थी, यानी 2021 में दोनों मैच मुल्तान जीत गई और इस बार 3 मुकाबलों में 3 में से 2 मैच मुल्तान जीत गई, तो मुल्तान पावरफुल है, 5 में से 4 मैच जीती हुई आखिरी हेड टू हेड के। आगे चलते हैं टॉप 5 रन स्कोरर्स की बात करते हैं, जब मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर आपस में भिड़ती है तो कौन से वो प्लेयर थे जो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे शान मसूद जो है 7 मैच खेले 31 के एवरेज से रन बनाते हैं, मोहम्मद रिजवान 45 के एवरेज से रन बनाते हैं, मकसूद 47 के एवरेज से रन बनाते हैं, फखर जमान 36 के एवरेज से और डेविड भी 46 के एवरेज से रन बनाते हैं। कितने मैचेस खेले, कितना स्कोर करा, सब कुछ आपके सामने है। इसके बाद यहाँ पे टॉप विकेट टेकर्स की बात करें तो ताहिर ने 7 मैच में 8 विकेट निकाले, धानी ने 4 में 10 निकाले, इमरान खान ने 1 में 3, 7 में 7 डेविड भी, शाहिन ने 11 में 19 निकाले। तो देखिए पिछले साल का स्टैट है हेड टू हेड जो इनके बीच का है, इस साल का इसमें इंक्लूड नहीं होगा आई थिंक, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और स्ट्राइक रेट से आपको समझ में आएगा कि धानी और यहाँ पे इमरान ताहिर नहीं, यहाँ पे शाहिन अफरीदी, क्योंकि इमरान खान तो खेल नहीं रहे, तो धानी और शाहिन अफरीदी कितने इंपॉर्टेंट बॉलर हैं ये आपको समझ में आएगा स्ट्राइक रेट से। जिस बॉलर का देखिए जितना कम स्ट्राइक रेट है वो उतना अच्छा बॉलर है। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है कि ये बॉलर जो है 7.17 लिखा है, यानी कि ये बॉलर जो है तकरीबन 7.17 बॉल्स में एक विकेट निकालता है अपोजिशन टीम की, 7.17 अगर इसको राउंड फिगर कर लें तो 8 बॉल में एक विकेट लेके जाता है ये। ये चीज पिछले मैच में भी काम आई थी, मैंने आपको जब इनका एक मुकाबला और हेड टू हेड हुआ था तब आपको रिजवान का स्टैट बताया था 52-53 का और इनका बताया था 8 का स्ट्राइक रेट धानी का, और इन्होंने इसी हिसाब से परफॉर्मेंस किया था। धानी ने उस मैच में 3 विकेट लेके गए थे और रिजवान उस मैच में तकरीबन 53 रन बना के गए थे। ये स्टैट काफी काम आता है, इस चीज का ध्यान रखो। 45 का जरूर इनका एवरेज है बट इस वेन्यू पे 52-53 का है, तो ये चीजें काम में आ जाती हैं, आपके इस मैच में भी काम में आएंगी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्लेयर बैटल की बात करते हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान के बैटर्स हैं और लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स हैं। तो इसमें देख लीजिए रूसो वर्सेस डेविड वीज़ है, डेविड वीज़ की काफी पिटाई करी है रूसो ने, हफीज के सामने डेविड वीज़ थोड़े से कमजोर साबित हो जाते हैं और इस मैच में देखिए हफीज के चांसेस भी अच्छे होंगे बॉलिंग करने, क्योंकि सामने वाली टीम में बहुत ही ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। देखिए हफीज ने रूसो के सामने भी 2 बार विकेट निकाले हैं, 31 बॉल में 2 बार विकेट और सिर्फ 22 रन दिए। इसके अलावा यहाँ पर रॉफ ने भी रिजवान के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 26 बॉल में 2 बार विकेट निकाली और मात्र 38 रन दिए। इसके बाद शाहिन अफरीदी ने मकसूद के सामने दोनों बार विकेट निकाली 24 में 24 रन देकर। ये ध्यान रखिए ये मकसूद है, मसूद नहीं है, नीचे मसूद है। मसूद वर्सेस रॉफ देख लो, 21 बॉलों में 34 रन और 1 विकेट है, 18 बॉल में 13 रन दिए। राशिद खान ने पॉवेल को 2 विकेट निकाली, हालांकि दोनों ही नहीं है तो इंपॉर्टेंस दोनों की नहीं रहेगी। कुछ लोग बोल रहे थे राशिद खान को वापस लाएंगे बट राशिद खान ने साफ साफ मना कर दिया, नेशनल ड्यूटीज में बीच में नहीं आ सकते, कुछ इंजरी हो जाए कुछ हो जाए सो वो नहीं आ सकते, नेशन फर्स्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविड वीज़ ने शान मसूद के सामने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, ये आपके इस मैच में ट्रम्प कार्ड भी हो सकते हैं। 17 गेंदों में मात्र देखिए 3 बार विकेट भी लेके गए और 21 रन दिए मात्र, तो ये मसूद के सामने एक बहुत अच्छा प्लेयर बैटल है जिस पे लोग ध्यान नहीं देंगे, डेविड वीज़ और मसूद वाला प्लेयर बैटल। इसके अलावा भी देख लीजिएगा राशिद खान और शाहिन अफरीदी वाला, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नेक्स्ट बैटल की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट बैटल है हमारे पास लाहौर क्लंदर्स बैट्समैन और सुल्तान्स बॉलर, जिसमें आप देख सकते हैं 36 बॉल में 36 रन दिए ताहिर ने हफीज को और एक बार विकेट निकाला। ताहिर ने फकर को देखिए 26 बॉल में 39 रन देकर दो बार विकेट निकाला। ताहिर ने समित पटेल को देखिए 24 बॉल में 31 रन देकर एक बार विकेट निकाला। ए अली ने फकर दमन के सामने 18 बॉल में 24 रन देकर एक बार विकेट निकाला। और यहाँ पे नीचे धानी और ए अली ने 20 और हफीज के विकेट निकाले। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स की बात करें तो ताहिर वर्सेस फकर दमन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बैटल रहेगा, हालांकि ताहिर का इतना भी अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा और ताहिर वर्सेस हफीज भी एक रहेगा देखने को। इसके बाद हम आगे चलते हैं एफएक्स एडवाइस में, आप देख लीजिए रिजवान के बारे में मैंने लिखा हुआ है और टॉप विकेट टेकर जो रहे शाहनवाज धानी उनके बारे में भी लिखा हुआ है, फकर दमन के बारे में लिखा है, शाहीन के बारे में लिखा है। तो ये कुछ टॉप प्लेयर्स रहेंगे इस मैच में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में मुल्तान सुल्तान जो है, जो कि अपनी टीम के स्किपर हैं, इनसे अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और एटलीस्ट इनको इस मैच में एक मैच विनिंग नॉक देना चाहिए, इनसे हम एक्सपेक्टेशन काफी कर रहे हैं। और शाहनवाज धानी से भी कर रहे हैं, फकर से भी कर रहे हैं, शाहीन से भी कर रहे हैं, लगभग चार प्लेयर ये दो टीम से मिला के हैं। मुल्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो शान मसूद ओपन करेंगे मोहम्मद रिजवान के साथ, और मैं आपको बोल रहा था लेफ्ट हैंडर्स वाली जो बात बोल रहा था, सुल्तान्स की टीम में काफी लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो काउंट कर लो शान मसूद एक लेफ्ट हैंडर हो गया, एक लेफ्ट हैंडर आपका रूसो हो गया, दोनों ही काफी बढ़िया फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पे एक लेफ्ट हैंडर खुशदिल चाह हो गया, फिर एक लेफ्ट हैंडर में यहाँ पे डेविड विली हैं और आसिफ अफरीदी हैं। तो ये कुछ देखिए लेफ्ट हैंडर्स हैं, इन पर आपका फोकस रहना चाहिए, ये लेफ्ट हैंडर जो है इनके सामने हफीज ज्यादा बॉलिंग करेंगे, यानी कि विकेट लेने का चांस भी हफीज के पास ज्यादा होगा, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो कप्तानी वाइज कप्तानी के आज के मैच में आई थिंक अच्छे ऑप्शन होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, तो कौन से प्लेयर्स है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शान मसूद पिछले दो मैचेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इसी सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हेड टू हेड भी देखें तो एवरेज है, तो इनको आपको लेना चाहिए। लास्ट चार मैचेस से देखिए मोहम्मद रिजवान 50 प्लस की स्कोरिंग कर रहे हैं और हेड टू हेड भी लास्ट दो मैचेस से 50 प्लस का है अपोजिशन के खिलाफ। कप्तानी वाइज कप्तानी की बहुत अच्छे ऑप्शन, विकेट कीपर भी है। आमिर अजबत ने आखिरी मैच में 33 लगाए, बट मेरे हिसाब से उतना आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ 7 मैच खेले 65 रन है, सो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं। रायली रूसो आपको लेने चाहिए, ये सीजन में आखिरी दो चार मैचेस से बहुत अच्छे फॉर्म में, देख सकते हैं 65-71 इनके दो मैच का परफॉर्मेंस है जब इनको बैटिंग मिली, और हेड टू हेड भी ठीक ठाक है, सो रूसो भी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आते हैं जॉनसन चार्ल्स, जिनकी जगह पे टीम ला सकती है टिम डेविड को। टिम डेविड जो है वो अवेलेबल है, जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है टीम की तरफ से, तो टिम डेविड भी इस मैच को खेल सकते हैं, खेलेंगे तो चार्ल्स को रिप्लेस कर देंगे, चार्ल्स के चांसेस कम हो जाएंगे खेलने के, और हो सकता है प्रमोशन भी टिम डेविड को मिले, क्योंकि जब खेल रहे थे तो वो नंबर चार पे खेल रहे थे, पे खेल रहे थे कुछ मैचेस में लास्ट के, तो हो सकता है आमिर अजमत को नीचे फेंक दे और टिम डेविड को यहां पे बैटिंग करवा दें, ऐसा भी पॉसिबल है। फिर खुशदिल शाह आते हैं तो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं और इसके अलावा बैटिंग भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं परफॉर्मेंस, कुछ मैचेस में अच्छी बैटिंग करी है और शुरुआत के कुछ पीएसएल मैचेस में तो इवन दो दो तीन तीन विकेट हर मैच में खुशदिल शाह लेके गए, इस मैच में भी थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे। फिर डेविड विली आते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, लास्ट दो तीन मैचेस से बहुत ही शानदार बॉलिंग फॉर्म में है और हेड टू हेड भी इनका अच्छा है, तो विली से भी काफी एक्सपेक्टेशन रहेंगी और ये डेथ में भी टीम के साथ गेंदबाजी करते हैं। फिर आसिफ अफरीदी आते हैं, कोई परफॉर्मेंस की बात करें तो थोड़े से एवरेज हैं और अपोजिशन के खिलाफ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सारे प्लेयर्स का, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर में शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, रायली रूसो रहेंगे, इसके बाद टिम डेविड खेलते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, खुशदिल थोड़े इंपॉर्टेंट है, डेविड विली काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, तो बाकी प्लेयर्स में रोमन रईस, इमरान ताहिर, शाहनवाज धानी आते हैं। प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी की बात करें तो शाहनवाज धानी जो है वो प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करेंगे, इनका साथ रोमन रईस और डेविड विली देंगे, डेविड विली और रोमन रईस शाहनवाज धानी के साथ डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। ये सीजन इमरान ताहिर का अच्छा नहीं रहा, तकरीबन एक आध विकेट ही ले पा रहे हैं, ज्यादा विकेट नहीं ले पा रहे, हेड टू हेड भी देखें तो एवरेज है। यहाँ पे हेड टू हेड रोमन रईस का बहुत अच्छा है और शाहनवाज धानी का तो सबसे अच्छा है, धानी आपकी टीम में कन्फर्म होने चाहिए, डेथ गेंदबाज भी है, रिसेंट फॉर्म भी सबसे अच्छा, हेड टू हेड भी सबसे अच्छा, तीनों चीजें इनके फेवर में। इसके बाद हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की, तो उसमें बेंच में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, टिम डेविड है जिनकी मैं बोल रहा हूँ कि चार्ल्स के लिए खेलने के चांस रहेंगे, खेलेंगे तो देखिए अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ये साल आईपीएल में भी इनकी वैल्यू इसलिए बढ़ी क्योंकि रिसेंट टूर्नामेंट्स में काफी अच्छा करके गए। फिर अनवर अली है, इमरान खान है, शोएब मकसूद है, ब्लेसिंग मुजरमानी, रिजवान हुसैन, ईशान उल्ला और अब्बास अफरीदी, ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टैट्स का, अगर खेल जाते हैं तो आपके पास स्टैट तो होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं कलंदर्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो फकर दमन ओपन करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ, नंबर तीन पे कामरान गुलाम आएंगे, जिसमें टेक्निकली देखें तो फकर दमन ज्यादा बेटर खेल रहे हैं और हेड टू हेड भी इनका काफी अच्छा है, देख सकते हैं फकर दमन का हेड टू हेड अपोजिशन टीम के खिलाफ बहुत शानदार है, तो इनसे एक्सपेक्टेशन हैवी रहेगी। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक आते हैं, रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है, दो दो तीन तीन मैच में एक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो अब्दुल्ला शफीक पे उतना भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, आप चाहे तो ले सकते हैं बट फकर दमन तो आपको कन्फर्म लेने हैं, अब्दुल्ला शफीक का जो है वो 50-50 रहेगा, लेना चाहो तो ले लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना। फिर कामरान गुलाम आते
आते हैं, थोड़ी बहुत ये भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप इनका एवरेज निकालें तो इस PSL में तकरीबन 20-25 रन हर मैच में इन्होंने बनाए हैं, 20 से 25 की रेंज आप पकड़ के चलिए, प्लस एक आध ओवर दो ओवर कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, बट इस मैच में हफीज के बॉलिंग करने के चांसेस ज्यादा होंगे तो गुलाम को शायद ओवर ज्यादा मिले ना, तो 20-25 रन की एक्सपेक्टेशन आप गुलाम से करिए और उतनी ही शफीक से करिए, फखर दमन से ज्यादा कर सकते हो, इस सीजन उन्होंने बड़े बड़े परफॉर्मेंस करके दिखाए भी हैं, तो ये 50 प्लस वाला प्लेयर है और अब्दुल्ला शफीक हो गए, कामरन गुलाम हो गए, ये 25-25-20-20 रन वाले प्लेयर हैं। इसके बाद मोहम्मद हफीज है, ये भी 20-25 रन तो बना ही देंगे, परफॉर्मेंस जो इनका चल रहा है पिछले कुछ मैचेस से, बैटिंग में ठीक ही परफॉर्मेंस करा, बहुत अच्छा तो नहीं करा बट फिर भी ठीक करा, इस मैच में बॉलिंग के हैवी चांस होने के कारण यानी 4 ओवर डालने के कारण इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, कप्तानी वाइस कप्तानी के इवन अच्छे ऑप्शन होंगे। फिर हैरी ब्रू को फिल सॉल्ट आते हैं, लास्ट मैच में फिल सॉल्ट को एज एन ओपनर भेजा गया बट फ्लॉप रहे, तो आई थिंक फिल सॉल्ट अब नीचे ही बैटिंग करेंगे क्योंकि इनके ओपनर्स में ये प्लेयर्स अवेलेबल हैं और आई थिंक जितने जल्दी मौका मिले हैरी ब्रू को मोहम्मद हफीज को भी बैटिंग करने का टीम के लिए उतना अच्छा रहेगा। फिल सॉल्ट को मिड में डाल सकते हैं, स्टेट आप फिल सॉल्ट का भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, तो समित पटेल आ जाते हैं, डेविड वीज आ जाते हैं, शाहीन अफरीदी, हरी श्रॉफ, सलमान खान आ जाते हैं, जिसमें प्रॉपर डेथ गेंदबाज इस टीम के हरी श्रॉफ, शाहीन अफरीदी, इन दोनों का परफॉर्मेंस भी ये सीजन बहुत अच्छा रहा और हेड टू हेड अगर आप देखें तो वो भी ठीक है। डेविड वीज भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इनका मैंने आपको एक प्लेयर बैटल भी दिखाया था एक प्लेयर के सामने, उसका नाम मैं भूल गया बट काफी अच्छा प्लेयर बैटल था, 3 बार विकेट निकाली थी उस प्लेयर की इन्होंने, अभी हम देख लेंगे मैं भूल गया हूँ फिलहाल, तो इनका आप रिवाइंड करके प्लेयर बैटल देख लेना। डेविड वीज का भी कभी टीम डेथ में यूज कर लेती है, एक्सपीरियंस प्लेयर है इसलिए कभी भी इनका यूज डेथ ओवर्स में भी हो सकता है, रन्स रोकने के लिए मैच बनाने के लिए, तो वीज की इंपॉर्टेंस रहेगी, पंट पिक टाइप प्लेयर मान लीजिए और रन्स भी बना सकते हैं, पिछले मैच में 28 रन बनाए थे आई थिंक और चौके छक्कों में डीलिंग करी थी, लास्ट ओवर में कितने 25-30 रन बना दिए थे शायद डेविड विली ने, तो डेविड विली को प्रमोशन भी बैटिंग में मिल सकती है और इंपॉर्टेंट मैच है तो करना भी चाहिए। इसके बाद देखिए ये कुछ प्लेयर्स में शाहीन अफरीदी और हरी श्रॉफ इंपॉर्टेंट होंगे तो इनको ले लीजिएगा, जमान खान की उतनी मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, वो कभी बॉलिंग कम भी हो जाती है इनकी, कभी ज़्यादा भी मिल जाती है तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हरी श्रॉफ और शाहीन अफरीदी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टैट्स का। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बेंच स्ट्रेंथ देखते हैं इस टीम की, इस टीम की बेंच स्ट्रेंथ देख सकते हैं कलंदर्स की, जिसमें इनके पास बैन डंक, फवाद अहमद है, डंक अवेलेबल नहीं है, फवाद अहमद चाहे तो टीम खिला सकती है, फॉक्सक्रॉफ्ट, मैटी पॉट्स है, सोहेल अख्तर है, माज खान है, आकिफ जावेद है, शेद फरुद्दीन है और अहमद दानी आले। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टैट्स का, अगर इनमें से कोई प्लेयर खेल जाता है तो उसको अपनी टीम में ले सकते हैं स्टैट बेसिस पे। आगे चलते हैं और बात करते हैं डेथ ओवर्स की, तो मुल्तान की तरफ से धानी, विली, रईस, ये लोग डेथ में गेंदबाजी करते हैं, धानी प्रॉपर डेथ गेंदबाज और विली और रईस जो है सपोर्टिंग गेंदबाज है। लाहौर की तरफ से शाहीन अफरीदी और हरी श्रॉफ यही डेथ गेंदबाज हैं और दोनों ही तकरीबन आखिरी 4 में से 2-2 ओवर करते हैं, इसलिए दोनों की इंपॉर्टेंस लगभग इक्वल रहेगी, दोनों को आपको टीम में लेना चाहिए। मुल्तान में धानी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, विली और रईस में विली की थोड़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से फॉर्म के हिसाब से, हालांकि डेथ ओवर में आपको रईस और विली कोई भी देख सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीम की, क्या हमारी टीम फॉर्म हो रही है इस मैच में। सबसे पहले जिन लोगों ने गिव अवे ज्वाइन नहीं करा, फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे कर लीजिएगा, 2,000 रुपये का आज यहाँ पे गिव अवे रखा गया है और इंडिया वाले मैच में तो 10,000 का रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे आपको रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर करते टाइम आपको रेफर कोड FX डालना है, जो लोग FX रेफर कोड डाल के यहाँ पे साइन अप करेंगे उनको बोनस मिलेगा, फ्री एंट्री मिलेंगी 2 और 2 फ्री एंट्री के साथ साथ आपको 200% का कैश बोनस भी मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, रेफर कोड FX लगाइए, बोनस का फायदा उठाइए, फ्री एंट्रीज का फायदा उठाइए और फर्स्ट डिपॉजिट पे 200% बोनस का फायदा उठाइए। टीम मेरी देख लीजिए फैन टू प्ले पे क्या रहने वाली है, मैंने ले लिया यहाँ पे मोहम्मद नवाज को, मैंने खुशदिल शाह को लिया, शान मसूद को लिया, रूसो को लिया, फकर को लिया, कप्तान मेरे मोहम्मद नवाज रहेंगे। इसके बाद मैंने डेविड विली को लिया है और मोहम्मद यहाँ पे मैंने हफीज को टीम में जगह दी, हफीज मेरे वाइस कप्तान भी क्योंकि 4 ओवर डालने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है और बैटिंग में भी 4-5 तक आ ही जाते हैं बैटिंग करने, मोस्ट कॉमनली 4 बैटिंग पोजीशन पे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से रिजवान आपके लिए कप्तानी के अच्छे ऑप्शन हो गए, वाइस कप्तानी के हफीज अच्छे हो गए, इसके अलावा वाइस कप्तानी फकर को भी आप दे सकते हैं। इसके बाद मैंने बॉलिंग सेक्शन में हरी श्रॉफ, शाहीन अफरीदी को लिया है और इमरान ताहिर, शाहनवाज धानी को लिया। आप चाहें तो इमरान ताहिर की जगह पर भी कुछ चेंज कर सकते हैं क्योंकि इस साल हमने देखा है 12 में से 6 मैच में ही ये ड्रीम टीम में रहे थे और बाकी प्लेयर जो शाहनवाज धानी, शाहीन अफरीदी और हरी श्रॉफ वगैरह हैं ये 60-70% टाइम ड्रीम टीम में रहे हैं, वहीं इमरान ताहिर तकरीबन 50% ही रहे हैं, तो इनकी जगह पे चाहें तो कुछ चेंज कर सकते हैं, बाकी टीम आई थिंक ठीक है और खुशदिल शाह की जगह पे चाहें तो कर सकते हैं। टिम डेविड पॉसिबली आएंगे टीम में तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, तो टिम डेविड एक काफी बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे पिक करने के लिए। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा टीम को, एकदम कॉपी मत कीजिएगा, कप्तानी वाइस कप्तानी के 3 अच्छे ऑप्शन है, रिजवान, मोहम्मद हफीज और फखर जमन, ये 3 में से कोई भी कप्तान वाइस कप्तान रख लीजिए, तीनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इसके अलावा फैन टू प्ले पे खेलना शुरू कर सकते हैं, चैलेंज फैंटेसी में आप देख रहे हैं लोग कितना खेल रहे हैं यहाँ पे, 1,000 रुपये में, 1,800 रुपये, 500 में,
₹900 जीत रहे हैं। कैसे? दो या चार प्लेयर की टीम बना के, यानी 11 प्लेयर की टीम बनाना जरूरी नहीं है फैन टू प्ले पे, आप चैलेंज फैंटेसी के थ्रू दो से चार प्लेयर तक की टीम बना के भी यहां पे खेल सकते हैं। तो साइन अप करिए, खेलिए, विन करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल अपडेट इस टीम का आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको सारी प्रेडिक्शन दे दूंगा टॉस से लेके टीम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।